जो नूह में हरियाणा में जो विवाद हुआ है, उस विवाद को देखते हुए कामा सेक्टर के सभी थानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सभी पूरे जाब्ते को कहा गया कि आप सतर्क रहें, सोशल मीडिया में किसी प्रकार की कोई भड़काऊ भाषण ना दें या भड़काऊ वीडियो ना डालें जिससे किसी एक समुदाय या दूसरे समुदाय को ठेस पहुंचे। अमन चैन कायम रखें, भाईचारा कायम रखें। हरियाणा के नूह मेवात में हुए विवाद के चलते राजस्थान की भरतपुर पुलिस भी विशेष अलर्ट मोड पर नज़र आ रही है। भरतपुर एसपी मृदुल कछवा ने कामा मेवात क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी थानों को अलर्ट मोड पर ला दिया है। साथ ही हरियाणा सीमा से लगे हुए थाना क्षेत्रों पर भी पुलिस विशेष निगरानी रखी हुई है और जो सीमाएं हरियाणा से लगी हुई हैं उन सीमाओं पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया है। कामा एएसपी हिम्मत सिंह ने क्षेत्र में पहुंचकर सभी पुलिस व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया है। साथ कामा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिम्मत सिंह जी हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो लोगों से अपील करते हैं और क्या उनके द्वारा व्यवस्थाएं हैं जिससे क्षेत्र में आपसी भाईचारा और सद्भावना बनी रहे। जी सर, किस तरीके से पुलिस प्रयास कर रही है? जी भट्टाचार्य जी, आज जो नूह में हरियाणा में जो विवाद हुआ है, उस विवाद को देखते हुए कामा सेक्टर के सभी थानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सभी पूरे जाब्ते को कहा गया कि आप सतर्क रहें और कामा सेक्टर के आम जनता से भी मेरी अपील है कि आप किसी भी प्रकार के भावनाओं में ना बहें, किसी भी अमर्यादित टिप्पणी या अमर्यादित सोशल मीडिया में किसी प्रकार की कोई भड़काऊ भाषण ना दें या भड़काऊ वीडियो ना डालें जिससे किसी एक समुदाय या दूसरे समुदाय को ठेस पहुंचे। अमन चैन कायम रखें, भाईचारा कायम रखें और प्रशासन और पुलिस के द्वारा पूरी सतर्कता बरती जा रही है। एक्स्ट्रा जाब्ता लगा दिया गया है बॉर्डर पे, जो थाने जुरहरा पहाड़ी और गोपालगढ़ और नगर सीकरी के सभी थाना इंचार्ज और सीओज को अलर्ट कर दिया गया है और श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार और कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार पूरी एहतियात के तौर पर प्रशासन काम कर रहा है। पुलिस अलर्ट मोड पे है। किसी भी प्रकार की आम जनता से अपील भी की गई है कि कोई सूचना किसी प्रकार की मिले प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन और पुलिस सोशल मीडिया पर पूरी नज़र रखे हुए है। सोशल मीडिया पर अगर किसी प्रकार की कोई अमर्यादित टिप्पणी कोई डालता है तो उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेवात क्षेत्र में आपसी भाईचारे की हमेशा से मिसाल पेश की गई है और अब की बार जैसे हरियाणा के नूह मेवात में हुआ है, तो यह क्षेत्र में तो आपसी भाईचारे को लेकर हमेशा से भाईचारा कायम रहता है। जी बिल्कुल, हमारे राजस्थान की जो थाना क्षेत्र हैं उनमें आम जनता से यही अपील है कि जैसे पूर्व के अंदर अपना भाईचारा बना हुआ है, एक दूसरे का स्वार्थपूर्ण वातावरण है, उसको ना बिगाड़ें, किसी की भावनाओं के में ना बहें, किसी की गलत बातों में न आए और किसी भी समुदाय को, एक समुदाय से दूसरे समुदाय की बातों में किसी प्रकार की ऐसी कोई बात ना कहें जिससे उनको ठेस पहुंचे और अमन चैन शांति के अंदर खलल पड़े। आज एक मोनू मानेश्वर का वीडियो भी मेवात क्षेत्र में वायरल हुआ है, उस वायरल वीडियो के बारे में भी पुलिस ने कोई प्रयास किए हैं? क्या मामला है वो? हाँ, मोनू मानेसर का वीडियो सामने आया था, उसमें कुछ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है। इसी वीडियो को लेकर मेरी आम जनता से अपील है कि ऐसी वीडियो को शेयर ना करें, आगे पोस्ट ना करें और ऐसी जो वीडियो भड़काऊ वीडियो है उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। मोनू मानेश्वर अपने राजस्थान का वांटेड है, उसके लिए टीम वगैरह लगी हुई है। बिल्कुल, SHO गोपालगढ़ को, CEO नगर को भी कहा गया है। हरियाणा के अंदर मुलजिमों की जो गिरफ्तारी के प्रयास हैं वो भी जारी हैं, टीम भेजी हुई है और आगे भी कोई सूचना मिलेगी तो तुरंत कार्रवाई करेंगे। अब मेवात क्षेत्र में, कामा क्षेत्र में अतिरिक्त जाप्ता भी पुलिस के द्वारा लगा दिया गया है। श्रीमान एसपी साहब से निवेदन किया गया था, एसपी साहब ने एक्स्ट्रा जाप्ता बॉर्डर के थानों पर लगाया है और भी जाप्ता अगर किसी प्रकार की आवश्यकता होगी तो तुरंत जाप्ते की व्यवस्था हो जाएगी। जो पुलिसकर्मी छुट्टी पर थे, क्या उनकी छुट्टियां निरस्त कर उनको छुट्टी के लिए, कैंसिल के लिए श्रीमान एस साहब ने निर्देशित किया गया था, सभी को सूचित कर दिया गया कि तो तुरंत प्रभाव से आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें और जब तक अग्रिम आदेश ना हो जब तक थाना परिसर नहीं छोड़ें। ये थे कामा एएसपी हिम्मत सिंह, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि क्षेत्र में आपसी भाईचारा और सद्भावना बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद।